ये बिडले करंट सोर्स पे एग्जांपल नंबर टू है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये इंटीग्रेटेड सर्किट में पूछा गया है, 2011-2012 की जो है सेशन में पूछा गया। तो या तो क्वेश्चन ये फिगर होगा, या तो वो इस तरीके से पूछे ये पूछा गया था, या वो इस तरीके से पूछा गया, आंसर दोनों का सेम निकल के आएगा। देखते हैं, कंसीडर द सर्किट इन फिगर फर्स्ट बिलो, निगलेक्ट द वेज करंट एंड एज्यूम बी ए बराबर इन्फिनिटी। ए पार्ट ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर आई नॉट इन टर्म्स ऑफ आई आर एफ एंड आर, हमें आई नॉट का रिलेशन फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ आई आर एफ एंड आर। बी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर सच दैट आई नॉट बराबर आई रेफरेंस बराबर 10 माइक्रो एम्पियर एज्यूम बी वी बराबर 0.7 वोल्ट एट कलेक्टर करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, या फॉर द सर्किट शोन इन फिगर फर्स्ट एज्यूमिंग हाई बीटा ट्रांजिस्टर एंड वी वी बराबर 0.7 वोल्ट एट 1 मिली, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर दैट रिजल्ट इन आई नॉट बराबर 10 माइक्रो एम्पियर। देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये आई नॉट बराबर के लिए आए, इसमें भी ये दिया जाएगा तभी वो निकल के आएगा। अगर हाँ, इसमें एक चीज़ और दे दी जाती है, सेम सेकंड बी वाला पार्ट है कि आर ट्रांजिस्टर आर मैस्ट, तो उसके लिए भी देख लेंगे बता देंगे। तो हम इसके लिए ये वाला पहले फाइंड करेंगे, फिर देन ये वाला फाइंड करेंगे, सेम होगा। जो आर की वैल्यू निकल आएगी वो किससे निकल आएगी, बी वाले से। पहले वाले तो हम इसका रिलेशन फाइंड करेंगे। तो देखिए ये सर्किट है फिगर फर्स्ट, तो इसमें क्या लगा देंगे, के वी एल। तब देखिए प्लस बी वी ई थ्री प्लस ये आई नॉट आर माइनस बी वी ई टू माइनस बी वी ई वन बराबर जीरो। तो चूँकि आर की वैल्यू ये आई नॉट के रिलेशन में निकालना, तो ये देखिए आई नॉट आर बराबर बी वी ई वन प्लस बी वी ई टू माइनस का बी वी ई थ्री। देखिए बी वी ई थ्री जो होगा हमारा, या बी वी ई वन वो होगी वी टी एल एन आई सी वन अपॉन आई एस। बी वी ई टू जो होगी हमारी वी टी एल एन आई सी टू अपॉन आई एस। इसी प्रकार बी वी ई थ्री होगी हमारे वी टी एल एन आई नॉट अपॉन आई एस। ये अब देखिए, क्योंकि इसमें क्या है, वेस्ट करंट जीरो, तो अगर इसमें जो है वेस्ट करंट जीरो मान लें, इसमें सबसे पहले वेस्ट करंट जीरो मान लेते, इसमें जीरो जाएगी करंट, तो इसमें क्या होगी, ये जीरो जाएगी। तो आई रेफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, इस पर ए पॉइंट पर क्या लगा दें, के सी एल लगा दें, इसे क्या मान लेंगे ए, तो के सी एल एट ए पॉइंट। तो आई रेफरेंस बराबर आई सी वन प्लस जीरो बराबर आई सी वन। तो जो हमारी आई रेफरेंस हो गई करंट, वो क्या हो जाएगी, आई सी वन हो जाएगी। चूँकि बेस करंट इसमें क्या है, एमिटर जीरो है, तो क्यू वन में, तो इसकी जो आई ई वन बात करते हैं, आई ई वन, तो आई ई वन बराबर क्या होगा, ये आई सी वन प्लस आई वी वन, तो ये क्या हो जाएगी, जीरो होगी। तो ये आई सी वन प्लस जीरो बराबर क्या हो जाएगी, ये आई सी वन। तो ये आई ई वन बराबर क्या हो जाएगी, आई सी वन। और आई ई वन जो होगी, इस पर जो है के सी एल लगा देते हैं, ये नोड बी मान लेते हैं, के सी एल एट नोड बी। तो आई ई वन बराबर आई सी टू प्लस जीरो बराबर आई सी टू। तो आई ई वन हमारी क्या निकल के आ गई, आई सी टू। तो आई ई वन बराबर क्या निकल के आई सी टू, और ये किसके बराबर है, सी वन के बराबर। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ गया, आई वन ई वन बराबर आई सी वन बराबर आई सी टू बराबर क्या हो जाएगा, आई रेफरेंस के बराबर हो जाएगा। कहने के मीन्स वी ई वन बराबर क्या हो जाएगी, ये वी ई टू हो जाएगी। आई सी टू बराबर क्या हो जाएगा, है
आईसी में रख देंगे, तो वी ई वन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वी ई टू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वी वी ई टू है, वी टी एल एन आई सी टू की जगह क्या रख देंगे, आई ई सी वन रख देंगे अपॉन आई एस, ये इसके बराबर हो गया। तो अब ये हमारे पास है कंडीशन आ गई, तो ये इक्वेशन थी फर्स्ट और इसे क्या मान लेंगे हम सेकेंड, तो इसमें जो है रख देते वी ई वन बराबर क्या रख देते वी ई टू रख देते, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये टू वी ई वन हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू रख देते टू वी टी एल एन आई सी वन अपॉन आई एस माइनस का वी टी एल एन आई नॉट अपॉन आई एस, ये आई नॉट आर, तो ये आई नॉट आर बराबर इसके यहाँ इसका चढ़ा देंगे कि ये वी टी एल एन आई सी वन अपॉन आई एस का होल स्क्वायर माइनस का वी टी एल एन आई नॉट अपॉन आई एस, तो आई सी वन किसके आई रेफरेंस के बराबर है, तो ये वी टी एल एन आई स्क्वायर आर रेफरेंस अपॉन आई स्क्वायर एस माइनस का वी टी एल एन आई नॉट अपॉन आई एस, तो आई नॉट आर बराबर ये वी टी एल एन आई स्क्वायर आर रेफरेंस अपॉन आई स्क्वायर एस डिवाइड बाई आई नॉट अपॉन ये आई एस, तो ये आई नॉट आर बराबर वी टी एल एन आई स्क्वायर रेफरेंस अपॉन आई नॉट, इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा, तो ये बराबर वी टी एल एन आई स्क्वायर रेफरेंस अपॉन आई नॉट इंटू आई एस, आई नॉट आर बराबर वी टी एल एन, तो ये हमारा आ गया रिलेशन आई नॉट आई रेफरेंस और आर में, यहाँ आर क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो देखिए इस तरीके से ये आई नॉट बराबर वी टी वाई आर एल एन आई स्क्वायर रेफरेंस अपॉन आई नॉट इंटू आई एस। तो ये हमारा ए वाले पार्ट का आंसर आ गया। अब बात करते हैं बी वाले पार्ट के लिए, तो आई नॉट बराबर क्या होगा इसमें, आई रेफरेंस बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, तो यहाँ पर रख देते हैं, ये सीधे पहले रखते हैं आई नॉट बराबर आई रेफरेंस रखते हैं, तो ये आई नॉट आर बराबर ये वी टी एल एन आई स्क्वायर रेफरेंस अपॉन आई रेफरेंस इंटू आई एस, इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा वी टी एल एन आई रेफरेंस अपॉन आई एस, ये आएगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू जब निकली गई तो आर बराबर क्या हो जाएगा वी टी अपॉन आई नॉट ये एल एन आई रेफरेंस अपॉन आई नॉट सॉरी आई एस, तो हमें आई एस फाइंड करनी होगी, आई रेफरेंस तो हमें पता है, तो आई एस फाइंड करने के लिए कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे क्या है सिर्फ आई नॉट बराबर दे रखा है, इसमें काम यही पूरा करना, तो आई नॉट बराबर अगर मैच्ड आई नॉट बराबर देखा तो आई नॉट बराबर आई रेफरेंस किस में ले जाता है, क्योंकि ये आई सी थ्री किसके बराबर होगा आई सी वन के बराबर होगी, तो ये करंट मिरर ऊपर वाला, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा ये आई रेफरेंस बराबर क्या हो जाएगा ये आई सी वन के बराबर हो जाएगी, तो हमें आई एस फाइंड करना इस कंडीशन से, ये कंडीशन दे रखी बी वी बराबर 0.781 मिली एम्पियर इतने करंट पे, तो इसके लिए हम बाद में वैल्यू रखेंगे जनरल निकालते हैं, तो ये आई सी मान लेते हैं करंट, तो आई सी बराबर ये आई एस एक्सपोनेंशियल ये वी वी अपॉन बी टी, तो यहाँ से आई एस निकाल लेते हैं आई एस बराबर आई सी अपॉन एक्सपोनेंशियल वी वी अपॉन बी टी,
इसकी वैल्यू वहाँ पर रखते हैं। तो देखिए ये आई नॉट आर बराबर ये वी टी एल एन आई रेफरेंस अपॉन आई एस है ये फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था, यहाँ पे आई एस की वैल्यू रखेंगे जो निकाली है, ये वी टी एल एन आई रेफरेंस अपॉन आई सी अपॉन एक्सपोनेंशियल वी वी ई अपॉन वी टी। तो देखिए ये ऊपर चला जाएगा, तो ये वी टी एल एन आई रेफरेंस अपॉन आई सी और ये एक्सपोनेंशियल ये वी वी अपॉन वी टी। तो इसमें एम प्लस एन वाला इसको क्या अलग माना, इसको मान लेंगे। तो देखिए क्या आएगा, ये बराबर वी टी एल एन आई रेफरेंस अपॉन आई सी प्लस का वी टी एल एन एक्सपोनेंशियल वी वी ई अपॉन वी टी। तो यह आ जाएगा वी टी एल एन आई रेफरेंस अपॉन आई सी प्लस का वी टी इंटू वी वी ई अपॉन उन्हें लिख लेते हैं इसको इसकी वैल्यू। तो देखिए ये वी टी एल एन आई रेफरेंस अपॉन आई सी प्लस का ये आ जाएगा वी टी इंटू वी वी अपॉन वी टी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये वी वी ई प्लस वी टी एल एन आई रेफरेंस अपॉन आई सी और ये होगा किसके बराबर, आई नॉट आर के बराबर होगा ये। अब वैल्यू रख देते हैं पहले इसकी, देन इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। तो ये टेन इन टेन माइक्रो टेन की पावर माइनस सिक्स आर बराबर ये 0.7 वोल्ट प्लस का एम्पियर प्लस का ये 0.025 मिली वोल्ट हो जाएगा एल एन। ये है टेन माइक्रो अरे टेन की पावर माइनस सिक्स एम्पियर अपॉन वन इंटू टेन की पावर माइनस थ्री एम्पियर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये जाएगा 0.7 प्लस 0.025 एल एन टेन इंटू टेन की पावर ये माइनस सिक्स प्लस का थ्री बराबर 0.7 प्लस 0.025 एल एन और ये टेन की पावर ये माइनस बचेगा इस पर एक और माइनस का थ्री, तो ये 0.7 प्लस 0.025 एल एन ये टेन की पावर माइनस टू। तो देखिए इसके बराबर होगा टेन इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स आर बराबर 0.025 इन एल एन, इसे लिख लेंगे 0.01। तो इसे कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 0.5848 वोल्ट में, इसे डिवाइड कर देंगे तो देखिए ये आएगी वैल्यू। तो आर बराबर ये 58.48 ये किलो ओम, इसे लिख लेंगे 58.5 किलो ओम, ये होगा हमारा आंसर। तो ये सेकंड वाले में प्रोसेस में यही आपको करना, अगर ये दे दिया है इफ़ ट्रांजिस्टर आर मैच्ड, इफ ट्रांजिस्टर आर मैच्ड, तो इसका मतलब हो गया ये वी ई वन बराबर वी ई टू बराबर वी वी ई थ्री बराबर क्या हो जाएगा, ये सिंपली वी ई के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारी इक्वेशन थी वो आई नॉट करके निकल के आई थी, आई नॉट आर बराबर ये वी ई वन प्लस वी ई टू माइनस के ये वी वी ई थ्री करके, तो यहाँ पे ये रख देते ये वैल्यू ये टू वी ई माइनस का ये वी वी ई
ये क्या जाएगा वी वी ई। तो ये वी वी ई की वैल्यू फाइंड करनी होगी आई नॉट आर। तो ये वी वी ई क्या होगा, तो ये वी वी ई सिंपली होगा कौन सा आई सी वन अपॉन वी टी एल एन आई सी वन अपॉन आई एस। तो ये क्या होगा, आई सी वन की वैल्यू होगी आई रेफरेंस, तो वी टी एल एन आई रेफरेंस अपॉन आई एस, और आई एस की वैल्यू वो फाइंड करनी है जैसे हमने बताया है। तो यहाँ से ये वैल्यू निकली, यहाँ पर रखेंगे तो ये वी टी एल एन आई रेफरेंस अपॉन आई सी एक्सपोनेंशियल वी वी ई अपॉन वी टी रखेंगे, तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा सिंपली ये वी वी ई प्लस का वी टी एल एन आई रेफरेंस अपॉन आई सी। ये क्या है, पॉइंट वन जो हमारा दे रखा था ये बात। तो ये यहाँ पे निकालना होगा और कुछ बाकी आर की वैल्यू यही निकलेगी जैसे पहले वाला मेथड दे रखा उसी से करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।